गुम हैं किसी के प्यार को लेकर हम आपको बता ही चुके हैं कि अब ईशान पर चलने वाली गोली सभी या ईशा दोनों में से किसी एक को लग जाएगी। खैर गोली चाहे किसी को भी लगे, होने वाला है कुछ ऐसा जो सुरेखा और राव साहब को कतई रास नहीं आएगा। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सभी की हालत जरा खराब हो जाएगी और सभी और ईशा ने मिलकर जिस तरह से ईशान की जान बचाई है उसे लेकर ईशान भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, जिसके बाद ईशान फैसला करेगा सभी और ईशा दोनों को भोसले हाउस में लाने का। भाई जब तक इन पर अटैक करने वाले का पता नहीं चल जाता, जब तक इन्हें जान से मारने की कोशिश आखिर की किसने है ये बात सामने नहीं आ जाती, ईशान फैसला करेगा कि ये दोनों भोसले हाउस में ही रहेंगे। भाई ईशान को ईशा की बात जरा सच्ची लगने लगी है, ईशान को भी इस बात पर शक होने लगा है कि हो ना हो लेकिन सभी और ईशा पर अटैक कराने वाला भोसले परिवार में से ही कोई है, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता ईशान फैसला करेगा सभी और ईशा को भोसले हाउस में रखने का। ईशान के इस फैसले को सुनने के बाद राव साहब और सुरेखा को लगेगा ऐसा जैसे ईशान उनके हाथ से निकल चुका है। अब देखना होगा किस तरह से सीरियल की कहानी में नया मोड़ आता है, नफरतें खत्म होती हैं और सभी माँ बेटे का रिश्ता जोड़ पाती है।